चलो स्टार्ट करो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लास फर्स्ट। देखो आप भी क्लास फर्स्ट है ये एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये। पहली बात तो जान लो कि आपके एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का कोई चॉइस नहीं है, ये आना ही आना है, कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें चार तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में और उसमें से दो क्वेश्चंस आप आएंगे, उसमें से एक आपको करना होगा। चार क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं सर? सबसे पहले बनता है इसमें मटेरियल वेरिएंस का, फिर बनता है इसमें लेबर का, फिर बनता है इसमें ओवरहेड का, फिर बनता है इसमें सेल्स का, ठीक है ना। इन चार में से दो आते हैं और दो में से एक करना होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मटेरियल एंड लेबर साथ साथ आ जाते हैं, ओवरहेड एंड सेल्स को साथ कर देता है और उसमें बीच में क्या कर देता है और ऐसा भी कर देता है। तो कुल मिला के अगर मैं इसमें मटेरियल वेरिएंस पढ़ लूं, मतलब आपको पढ़ा दूं, लेबर वेरिएंस पढ़ा दूं एंड ओवरहेड पढ़ा दूं, ओवरहेड में फिर दो हो जाते हैं वेरिएबल एंड व्हाट फिक्स्ड, अगर इतना पढ़ा दूं तो ये चैप्टर में काम चल जाता है। लेकिन अगर आपको काम नहीं चलाना है, आपको पूरा जानना है, तो फिर इसके बाद दो टॉपिक और बच जाता है। कौन कौन सा? एक सेल्स वेरिएंस और दूसरी प्रॉफिट वेरिएंस। तो पहले हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, ये सब ढंग से तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर बैठ के विचार करेंगे कि आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ये तो हुआ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि इसमें इंटरनल चॉइस होता है, एग्जाम में आता ही आता है और करना होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या बात है कि एक्चुअली ये चैप्टर है क्या चीज़, एग्जाम की बात तो बाद में होगी, इसमें टच मत करना चेयर में, है क्या चीज़ है देखिए इसमें क्या समझना है हमको। तो अब मैं बताता हूँ आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको सीखना क्या एक्चुअली है क्या। कुछ देर के लिए आप अपने एग्जामिनेशन प्रेशर को हटा दीजिए और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखिए तो है क्या चीज़ है। होता क्या है, जब भी कोई बिजनेस आप करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन आप करते हैं, तो मुझे बताओ आप एक चीज़ कि प्रोडक्शन यूं ही स्टार्ट कर देते हो कि पहले कुछ एस्टिमेट करते हो? पहले क्या करते हो? आपने कहा ना एस्टिमेशन करते हैं, नहीं करते हैं? कोई भी आप देखो, आप कॉस्टिंग पढ़ के आए हो ना, तो जब कॉस्ट शीट हम बनाते थे आप क्या देखते थे उसमें? हम कुछ मटेरियल लिया, भाई हमने गुड्स अभी बनाया नहीं है, बनाने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि मुझे इतना मटेरियल चाहिए, मुझे इतना लेबर चाहिए और मुझे इतना ओवरहेड चाहिए, ये सब एस्टिमेटेड है। ये सब क्या एस्टिमेटेड है। और जब एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाती थी, जब एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाती थी, तो उस वक्त हम ये देखते थे कि हमारी एक्चुअल मटेरियल क्या लगी। भाई जब एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाएगा तब तो आपके पास एक्चुअल फिगर रहेगा ना कि एक्चुअल मटेरियल क्या लगा, एक्चुअल लेबर भी क्या लगा और एक्चुअल ओवरहेड भी क्या लगा। अभी मैं तीन ही लेके चलता हूँ, सेल्स की बात बाद में करेंगे। तो इसका मतलब सब जब हमने शुरू में कॉस्ट शीट बनाया तो वो सब एस्टिमेटेड था और बाद में जब उसको एक्चुअल फिगर मेरे सामने आ गया तो सारा एक्चुअल सामने आ गया। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि ये एस्टिमेटेड को इस एक्चुअल से क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे, भाई हमने क्या एस्टिमेट किया था और एक्चुअली क्या लगा। जब इनका हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने के बाद जो फिगर मेरे सामने आता है उस फिगर को ही क्या बोलते हैं हम, वेरिएंस। क्या बात है, बहुत ही सिंपल तरीके समझ लो, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएंस।
अभी मैंने किसका कंपैरिजन किया है, मटेरियल का, तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल वेरिएंस, क्या हो जाएगा, मटेरियल वेरिएंस। तो क्या सिर्फ हम लेबर का, तो कि सिर्फ मटेरियल के वेरिएंस करेंगे, नहीं, लेबर का भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेबर वेरिएंस। और अगर ओवरहेड का करेंगे तो ओवरहेड वेरिएंस। इस तरह से वेरिएंस टर्म कॉइंड हुआ आपके सामने में कि वेरिएंस एक्चुअली है क्या। मान के बच्चे यहां तक ठीक है जी सर। तो सर जब हम मटेरियल वेरिएंस बनाएंगे तो क्या होगा उसमें, पहले मटेरियल वेरिएंस की बात करते हैं। देखो जब मटेरियल का आप एस्टिमेशन करोगे, मटेरियल कॉस्ट का आप क्या करोगे, एस्टिमेशन करोगे, तो क्या करोगे, कॉस्ट का दो हिस्सा होता, क्या क्या, एक होता प्राइस, दूसरी क्या होती है, क्वांटिटी। तो प्राइस भी एस्टिमेट करना पड़ेगा और क्वांटिटी भी क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। नहीं बात समझे, मतलब आपका कहने का मतलब सर ये है कि एस्टिमेटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड प्राइस मुझे क्या देगा, मुझे देगा एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट। नहीं देगा बताओ, ज्यादा इधर उधर की बात ही नहीं करनी है, सिंपल बात करनी है, देगा ना। एस्टिमेटेड क्वांटिटी इंटू एस्टिमेटेड प्राइस इक्वल टू क्या देगा आपको, एस्टिमेटेड कॉस्ट देगा। लेकिन जब आप एक्चुअल निकालेंगे, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपको एक्चुअल प्राइस पता होगा, उस वक्त आपको एक्चुअल क्वांटिटी पता होगा, नहीं पता होगा। फिर एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सही सर। तो ये हुआ एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट और ये हुआ आपको एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट। अगर इनमें डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस आने का वजह क्या रहा होगा, जानते हो क्या रहा होगा, इनमें अगर डिफरेंस आया होगा, इनमें अगर डिफरेंस आया होगा, पहले थोड़ा सा बढ़िया से इसको बॉक्स बना देता हूँ ना, ताकि दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आया होगा तो इसके वजह से प्रॉब्लम नहीं आया होगा, इसके वजह से प्रॉब्लम नहीं आया होगा, प्रॉब्लम आया होगा किसके वजह से, ये प्राइस में फर्क पड़ा होगा और इस प्राइस में फर्क पड़ा होगा और इस क्वांटिटी में फर्क पड़ा होगा और इस क्वांटिटी में फर्क पड़ा होगा, या दोनों में फर्क पड़ा होगा, प्राइस एंड क्वांटिटी में ही चेंज हुआ होगा, ठीक है ना, तभी जाके कॉस्ट में चेंज आया होगा। बात समझ गए। तो जब हम एक्चुअल प्राइस और एस्टिमेटेड प्राइस, एक्चुअली देखो अब ये एस्टिमेटेड प्राइस जो है ना, इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूं, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं स्टैंडर्ड प्राइस, हाँ स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअली एस्टिमेटेड कोई टर्म नहीं होता, होता क्या स्टैंडर्ड प्राइस होता है, जब भी एक प्राइस आप डिसाइड करते हैं कि इस प्राइस पे मटेरियल खरीदना है तो वो कौन सी प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस। सिमिलरली अब ये एस्टिमेटेड क्वांटिटी नहीं, क्या कहेंगे इसको हम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हमेशा आप क्या करते हैं, किसी बिजनेस में प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि इस इतनी क्वांटिटी लेनी है और इस प्राइस की लेनी है। अब ये स्टैंडर्ड प्राइस हो गया और ये एक्चुअल प्राइस हो गया। स्टैंडर्ड प्राइस को शॉर्ट में लिख सकते हैं हम क्या, हम एसपी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एपी।
इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एस क्यू, इसको क्या लिखेंगे, ए क्यू। अब अगर स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस के बीच में अगर डिफरेंस होगा तो इस डिफरेंस का क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या नाम देंगे इसका, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसको भी मैं एक खूबसूरत बॉक्स से दिखा देता हूं आपको। आपको बस याद रहेगा ढंग से, इसलिए नहीं बन पाया, छोड़ दो, टेढ़ा नहीं जाएगा। ये क्या हो गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी तरह से अगर क्वांटिटी में डिफरेंस होगा, ये क्वांटिटी है ना यहाँ पे से यहाँ तक, ये क्वांटिटी में डिफरेंस होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। बात समझ गए। और मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था कि जो वेरिएंस प्राइस में आएगा और जो वेरिएंस क्वांटिटी में आएगा, उन्हीं दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो वेरिएंस किसका आ जाएगा, कॉस्ट का आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट कॉस्ट की वेरिएंस आ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट की अपनी कोई वेरिएंस नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, प्राइस एंड क्वांटिटी का ही होता है, ठीक है ना। तो आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मजा आ गया, बात समझ गए। अगर इनको हम प्लस करेंगे तो अपने आप में मुझे क्या दे देगा, ये मुझे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दे देगा। अब इनको हम सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, कि सर सवाल करते वक्त कैसे करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया ना, आप लिखना चाहें तो लिख लेना, मैं फालतू बात कर ही नहीं रहा हूँ, बैंग ऑन पढ़ा रहा हूँ, जितनी जरूरत है, जो प्योरली आपके दिमाग को एकदम हिट करे उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसका प्रेजेंटेशन, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ उस फॉर्मेट को ध्यान रख लेंगे तो कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम स्टैंडर्ड, और यहाँ क्या लिखेंगे, एक्चुअल। मेरे पास में सवाल में जानकारी दे रखी होगी, स्टैंडर्ड और फिर क्या लिखेंगे, एक्चुअल। स्टैंडर्ड में क्या क्या लिखेंगे हम, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। स्टैंडर्ड में क्या लिखेंगे, क्वांटिटी प्राइस एंड अमाउंट। यहां भी क्या लिखेंगे, क्वांटिटी प्राइस एंड अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस एंड अमाउंट, दोनों जगह लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं अपने तरीके से एक क्वांटिटी ले लेता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कंपैरिजन तभी पॉसिबल है इन दोनों में कंपैरिजन तभी पॉसिबल है, ये क्वांटिटी इनपुट है, ये प्राइस इनपुट है, ये अमाउंट भी क्या इनपुट है, लेकिन इस इनपुट में तभी कंपैरिजन हो सकता है जब इसकी आउटपुट क्या हो, सेम हो। मतलब आउटपुट के मामले में एक्चुअल आउटपुट जितना होगा उतना ही क्या रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर ये एक्स एक्स है तो ये भी एक्स एक्स ही रखना पड़ेगा। एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट दोनों सेम होगा तभी उसके इनपुट में कंपैरिजन पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो अगर किसी पहलवान को आप लड़वाते हो तो आप 55 केजी से 65 केजी को नहीं लड़वा सकते। 55 केजी से किसको लड़वाते हो, 55 केजी को ही लड़वाते हो, मेल को मेल से ही, फीमेल को फीमेल से ही। अगर उसमें चेंज कर दोगे फिर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बात समझ गए ना। तो लेकिन एक बात और है, एक बात और भी है कि कहोगे सर एक्चुअल आउटपुट तो मुझे दिया हो सकता है, तो हम फिर क्या करेंगे, स्टैंडर्ड तो कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड तो वेरी भी कर सकता है, कोई बात नहीं। अगर एक्चुअल आउटपुट मुझे 1000 की दे रखी है, सपोज करो
हालांकि ये बहुत अर्ली बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे कुछ क्वेश्चंस करवाने के बाद ही बताना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप समझ जाएंगे। एक्चुअल आउटपुट मुझे 1000 की दे रखी है, और ये दे रखी होगी सवाल में, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में। और जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड आउटपुट मुझे 100 की दे रखी है, तो कोई बात नहीं, एक्चुअल तुम 1000 ही रहने देंगे, स्टैंडर्ड को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वांटिटी भी अगर जितना दिया होगा क्वांटिटी, उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, क्योंकि क्वांटिटी जितनी दे रखी होगी किसकी दे रखी होगी, 100 की, तो 1000 में कन्वर्ट करने के लिए क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। लेकिन प्राइस को 10 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि प्राइस हमेशा क्या होता है, पर यूनिट होता है, अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर सब बात अभी आप समझने की कोशिश करोगे तो फिर आप नहीं समझ पाओगे, मुझे बोलने दो, मेरा बोलने का टाइम है, अभी आपका सिर्फ सुनने का टाइम है। दिया जाएगा, एडजस्ट करेंगे, स्टैंडर्ड ही एडजस्ट होगा, ठीक है ना, बात समझ गए, बहुत सही बात है सर। तो सर इसका मतलब मुझे सबसे पहले सवाल करते वक्त ये चेक करना होगा कि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम है कि नहीं है। अगर ऐसा आप समझ गए तो आप बहुत कुछ समझ गए, बिल्कुल सेम चेंज करना, चेक करना पड़ेगा कि दोनों सेम है कि नहीं है। जब दोनों सेम है उसके बाद इनका कंपैरिजन पॉसिबल है, मान गए। अब लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए सपोज कीजिए 1000 की आउटपुट है, 1000 आउटपुट के लिए मुझे इनपुट कितना लेना पड़ेगा, मान लीजिए 500 यूनिट लेना पड़ेगा, और प्राइस क्या होगी इसकी, 10 मान लीजिए, ये स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड अमाउंट कितना होगा सर, 5000। सिंपल, देखिए क्वांटिटी एक्चुअल मान लीजिए कितना हो सकता है, 600, मुझे क्या पता क्या हो सकता है, ये तो सवाल बताएगा, लेकिन 600 भी हो सकता है, ज़्यादा लग गया, ठीक है। और प्राइस क्या होगा, प्राइस मान लीजिए आपका हो गया 9 हो गया, प्राइस कम लग गया, तो ये कितना अमाउंट हो गया, 5400। क्यों जी, समझ गए आपको, 5400 हो गया। अब ये बताइए, अब इसमें अगर मैं वेरिएंस निकालना चाहूँ तो कितना मज़े से निकाल सकते, देखना, अगर मैं इसको इसको कंपैरिजन कर दूँ तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओ सर क्या लिखोगे इसको, मैं बताता हूँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस व्हाट, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट को ऐसे भी ले सकते हैं, SC माइनस व्हाट, AC, SC में क्या लेंगे, माइनस व्हाट। अब बताइए ये कॉस्ट ज़्यादा आ गया कि कम आ गया, ज़्यादा, ज़्यादा होना अच्छी बात होती है क्या, नहीं होती है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 400, ब्रैकेट में लिख देंगे एडवर्स, एडवर्स मतलब हुआ नेगेटिव, 400 एडवर्स, माइनस में लिखते हैं यहाँ पे, 400 एडवर्स लिखते हैं, मान गए, कितना आसानी से निकल गया, क्या निकल गया आपको, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। तो सर अब इसके बाद और क्या निकाल सकते हैं, मैं बताता हूँ क्या निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लैक लेटर से देखिए, अगर मैं 500 को किससे कंपैरिजन करूँ, 600 से कंपैरिजन करूँ, तो क्या निकल जाएगा, ये निकलेगा मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस, क्या निकलेगा, मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस। सर क्या होगा ये, सिमिलर तरीके से स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस व्हाट, एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, देखो वेरियंस तो यही पता चल गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी को जैसे ही मैंने माइनस किया मुझे वेरियंस पता चल गया। देखो ना कैसे, ये 500 है, ये 600 है, मतलब क्या हो गया सर, 100 यूनिट का वेरियंस है, 100 यूनिट ज़्यादा लग गया है, लेकिन एक्चुअली प्रेजेंटेशन हम किस में करते हैं, यूनिट्स में नहीं करते हैं, रुपीज़ में करते हैं, तो रुपीज़ में करने के लिए इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्राइस कौन सी लेंगे हम, कौन सी, स्टैंडर्ड प्राइस, कौन सी प्राइस लेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस, क्यों स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लेंगे,
बताओ, इसलिए लेंगे क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस होती है ना उसमें हमेशा फ्लक्चुएशंस होती रहती है, आज कुछ और है, परसों कुछ और है, तरसों कुछ और है, बात समझ गए? तो अगर प्राइस में आपको स्टेबिलिटी रखना है तो क्या लेना पड़ेगा आपको? स्टैंडर्ड प्राइस। तो बताइए 100 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10 से, तो ये कितना आएगा? 1000। 1000 क्या हो गया? एडवर्स हुआ ना, एडवर्स हो गया क्योंकि ये ज़्यादा है, बात समझ गए? अब आप देखिए लास्टली आप, मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं इसमें कंपैरिजन करता हूँ, किसमें सर? ये प्राइस में कंपैरिजन करता हूँ तो इसका नाम क्या देंगे हम? इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्या नाम देंगे इसको? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, शॉर्ट में क्या कह सकते हैं इसको? MPV। ठीक है, इसका भी सेम फॉर्मूला, मैंने कुछ भी याद तो नहीं करवाया आपको, देखो ना, देखते देखते समझ में आ गया आपको। क्या होगा यहाँ पे सर? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, मल्टीप्लाई किससे करोगे? क्यों एक्चुअल क्वांटिटीज क्यों करोगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपने कॉलेज में पढ़ा हुआ इसको? नहीं पढ़ा हुआ, तो एक्चुअल के पीछे जिद क्यों पड़ गई आप? अच्छा आंसर आप निकाल रहे हो कि तभी 400 आंसर आएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये क्या कह रही है मैं बता दूं, बच्चों को बताता हूँ ये क्या कह रही है। इसने एक तरीका निकाल लिया कि ये अगर 1000 एडवर्स आया है, आंसर मुझे 400 चाहिए, तो इसको 600 आना पड़ेगा, या 1600 फेवरेबल, नहीं नहीं 600 फेवरेबल आना पड़ेगा, ये अपना दिमाग लगा के इनको कर रही है, ऐसा नहीं है। सुनिए पहले बताइए स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस है 10, एक्चुअल प्राइस कितनी है? 9। ये वेरियंस तो हुआ लेकिन सिर्फ एक यूनिट का वेरियंस हुआ, किसका वेरियंस हुआ? सिर्फ एक यूनिट का वेरियंस हुआ, और मुझे क्या चाहिए? मुझे ओवरऑल यूनिट का वेरियंस चाहिए। मुझे बताइए आप अगर मार्केट में सामान परचेज करने गई हैं, जो भी प्राइस होगा, जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस किस पे करेंगे आप? एक्चुअल क्वांटिटी पे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे? अगर मान लो मैं किसी मार्केट में सामान परचेज करने आता हूँ, मैं सोच कर जाता हूँ कि मेरे को ना 500 यूनिट परचेज करना है, सोच के घर से निकलता हूँ, लेकिन मार्केट में जाके मैं क्या परचेज करता हूँ? 600। तो मैंने पेमेंट किसकी करी है? 500 की 600 की, पेमेंट तो एक्चुअल 600 की भी ना, तो जो भी वेरियंस आएगा एक्चुअली किसका आएगा? एक्चुअल क्वांटिटी का ही आएगा, क्योंकि आपने प्लानिंग जिस भी क्वांटिटी की करी हो, अल्टीमेटली पेमेंट आपने किसकी करी? एक्चुअल क्वांटिटी की करी, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी क्या लेंगे हम? एक्चुअल क्वांटिटी। अब इसको यहाँ से कंपेयर करो, कहोगे सर यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड प्राइस लिया था, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे तो वेरियंस मेरा यहीं पे निकल गया था, क्योंकि ये पूरा क्या था? ये पूरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये पूरा एक्चुअल क्वांटिटी है, ये 100% स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, 100% एक्चुअल क्वांटिटी, तो वेरियंस तो हो गया था। मेरा मकसद सिर्फ उसको किस में कन्वर्ट करने का था? प्राइस में। तो मैंने क्या किया? स्टैंडर्ड प्राइस दे लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे वेरियंस मुझे मिला नहीं। वेरियंस क्यों नहीं मिला? क्योंकि वेरियंस ये स्टैंडर्ड प्राइस मैंने एक्चुअल प्राइस करने से सिर्फ एक यूनिट का वेरियंस मिलता है, और मुझे सारे यूनिट का वेरियंस चाहिए। सारे यूनिट के वेरियंस के लिए मुझे इसको या तो 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 500 से हम करेंगे नहीं क्योंकि वो क्या है? स्टैंडर्ड है। और 600 से करेंगे क्योंकि वो एक्चुअल है, पेमेंट मैंने एक्चुअल की करी होगी। समय में आए तो अच्छी बात, नहीं तो और भी अच्छी बात, याद कर लीजिए इसको। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ एक्चुअल लेंगे, तो बताइए कितना हो गया? 1 × 600, और ये क्या आएगा? 600, और ये क्या आएगा? फेवरेबल, इसको फेवरेबल बोलते हैं, शॉर्ट में ऐप से लिख देते हैं। और कुछ देर पहले मैंने क्या सिखाया था बच्चे आपको, याद है? मैंने सिखाया था मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरियंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस। मटेरियल प्राइस वेरियंस कितना आ गया? 600। फेवरेबल मटेरियल कॉस्ट वेरियंस कितना आ गया?
क्वांटिटी वेरिएंस सॉरी थाउजेंड एडवर्स, तो बताइए डिफरेंस क्या आया, 400 एडवर्स, मान गए 400 एडवर्स आ गया, सब कुछ मैच कर गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात सर, इसका मतलब इतना आसान है सर, ऑफ कोर्स इतना आसान है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी ये आसान नहीं है, इसमें और भी कुछ बातें ऐड ऑन होगा, अभी कुछ प्लस माइनस इसमें और भी होगा, लेकिन पहले इतनी बातें तो समझ गए ना, अभी तक जो बातें समझे मैं क्वेश्चंस के तरीके से पूछता हूँ आपको, जब भी आप वेरिएंस निकालेंगे पहले स्टैंडर्ड लिखेंगे फिर एक्चुअल लिखेंगे, स्टैंडर्ड में क्या क्या लिखेंगे सर, क्वांटिटी प्राइस एंड अमाउंट, एक्चुअल में क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, और स्टैंडर्ड में आउटपुट क्या होना चाहिए, एक्चुअल आउटपुट के बराबर होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा, सेम लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तभी जाके वेरिएंस पता चलेगा, ज़्यादा बोल के क्या फ़ायदा है, अगर आपको रिपीट करना तो दोबारा सुन लीजिए, ठीक है ना, हाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चे, बात समझ गए, राइट। अब मैं एक छोटी सी बात और आपसे करता हूँ, अभी आपने क्या देखा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रखा है, एक मिनट आप इसको लिख लीजिए, तब तक एक सेकंड की ब्रेक से बच्चे याद नहीं किया, आइए देखिए इसके आगे क्या होता है, अभी आपने क्या देखा कि मैंने यहां पे अभी क्या किया है, क्वांटिटी में सिर्फ मैंने एक क्वांटिटी रखा है, सिर्फ मान लो उसको ए मान लेते हैं, हमारा इनपुट ए ही है, एक ही है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनपुट एक से ज्यादा हो, नहीं हो सकता क्या, तो एक से ज्यादा इनपुट होगा तो क्या होगा सर, अभी तो इनपुट एक ही था, लेकिन जब इनपुट एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है ना, आइए देखते हैं, एक बार लिखते हैं सवाल को हम फिर से, मान लीजिए यहां क्या करते हैं, स्टैंडर्ड, यहां क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, एक्चुअल आउटपुट, यहां क्या लिखेंगे, सेम होना चाहिए, स्टैंडर्ड मैंने क्या क्या लिखने के लिए कहा आपको, सर आपने कहा यहां क्वांटिटी लिखो, यहाँ प्राइस लिखो, यहाँ पे अमाउंट लिखो, यहाँ पे क्या कहा, क्वांटिटी प्राइस एंड अमाउंट लिखो, ये मैंने लिखने के लिए कहा, बीच मैंने कुछ गैप छोड़ रखा है और उसका कुछ वजह है, मान लीजिए मैंने यहाँ क्या किया, ए लिया और यहाँ मैंने क्या लिया, बी लिया, ए को तो मैं वही रिपीट करता हूँ जो लिया है वहाँ पे, क्या लिया है, 500 10 और बी में ले लिया 400, ले लीजिए 400
और क्या कर दीजिए इसकी प्राइस 5 कर दीजिए, और ये क्या कर दीजिए 2000, दो यूनिट्स ले लिया। बस क्वांटिटी में क्या कीजिए आप, यहाँ पे लीजिए 600, यहाँ था 9, ये क्या हो गया, और यहाँ ले लीजिए आप क्या 500, और यहाँ क्या कर दो 6 कर दो, चलो कोई बात नहीं, ये कितना हो जाएगा 3000। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वाले निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 7000, और ये कितना हो जाएगा। हर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आसान से निकल जाएगा। देखो क्या निकलेगा सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो ये हो गया 7000 माइनस 8400 इक्वल टू क्या हो गया 1400, एडवर्स आ गया। फॉर्मूला लिखो तो आपकी मर्जी, नहीं लिखो तो आपकी मर्जी। क्या फॉर्मूला सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस व्हाट एक्चुअल कॉस्ट, बात समझ गए। उसके बाद चलिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को दो हिस्से में बांटते हैं, कौन कौन सा हिस्सा। एक होगा आपका मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, दूसरा क्या होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो सर क्वांटिटी निकालो आप, कैसे निकलोगे। देखो ऐसे निकलेगा, पहले ए का निकलेगा, फिर बी का निकलेगा, फिर दोनों क्लब होगा। तो क्वांटिटी वेरिएंस क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूला आप खुद लिखिए, जानते हैं ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, और ये क्या होगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मजा आ गया, ठीक है जी। ए का निकालो, आपके सामने दिख रहा है 500 माइनस 600 मल्टीप्लाई बाय 10, 400 माइनस 500 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना होगा 1000। 1000 क्या एडवर्स, और ये कितना होगा, ये होगा आपको 500। 500 क्या एडवर्स, बहुत अच्छी बात है। इसको प्लस कर दो, ये क्या हो गया एडवर्स। सिमिलरली अब किसका निकाल लेते हैं, प्राइस का सर, प्राइस वेरिएंस यहाँ आ जाओ, क्या होगा फिर ए का निकलेगा कितना 10 माइनस 9 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, कितना जाएगा फेवरेबल। फिर सर 5 माइनस 6 इंटू 500, 5 प्राइस आपने सोचा था और 6 हो गया प्राइस, तो क्या हो गया ये 500, ये एडवर्स आ गया। तो ये क्या आ गया दोनों मिला के 100 फेवरेबल आ गया। अब मैंने क्या सिखाया था आपको कि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस प्लस प्राइस वेरिएंस करोगे तो दोनों मिला के कितना आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आ रहा है क्या, देखो 1500 एडवर्स प्लस 100 फेवरेबल, तो क्या आएगा 1400 एडवर्स। मज़ा आ गया, आपको यहाँ दिख रहा है 1400 एडवर्स, बहुत सही बात सर। दोनों तरीके मतलब वो तो सिर्फ चेक करने के लिए होता है ना, एक बार एमसीबी ऐसे निकालते हैं और इसको क्रॉस चेक करते हैं कि यहाँ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी एक डिफरेंस और भी है। जब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की बात आती है तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फर्दर अब दो हिस्सा होगा, एक पार्ट इसका होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस और दूसरा पार्ट होगा इसका मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं MMV, इसको क्या कह सकते हैं MYV। बहुत सही बात सर, लेकिन क्यों सर, क्यों ऐसा करते हैं, पहले क्यों नहीं था अब क्यों है। पहले इसलिए नहीं था क्योंकि पहले मेरे पास एक ही प्रोडक्ट था, एक ही इनपुट था ए, अब मेरे पास दो इनपुट है ए और बी,
ए और बी को जब हमने मिक्स किया होगा तो मिक्स करने के लिए भी हमने कोई एक स्टैंडर्ड बना रखा होगा, मिक्स करने के लिए भी हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। और जब हमने एक्चुअल मिक्स किया होगा तो जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ होगा, और डिफर भी कर सकता है। जैसे देखो ना, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड क्या रखा कि इनको कैसे किस रेशियो मिलाऊंगा मैं, 5:4 के रेशियो में, लेकिन मैंने मिला किस में रखा है, 6:5 के रेशियो में। स्टैंडर्ड मिक्स मेरा क्या है, 5:4, लेकिन एक्चुअल मिक्स मेरा क्या है, 6:5। इसका मतलब दो से ज़्यादा या दो या दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल जब भी होते हैं तो एक वेरियंस और भी होता है, और वो क्या होता है कि हमने मिक्स कैसे किया, हमने मिक्स कैसे किया। लेकिन जो भी मिक्स मैंने किया होगा वो किसका किया होगा, क्वांटिटी का, तो इसलिए वेरियंस किसका है, ये किसका पार्ट है, ये क्वांटिटी वेरियंस का पार्ट है, किसका पार्ट है, ये क्वांटिटी वेरियंस का। क्योंकि हमने चाहे रेशियो में मिलाया होगा ज़्यादा या कम, अल्टीमेटली मिलाया किसको मैंने, क्वांटिटी को, इसलिए मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस का एक पार्ट क्या हो जाएगा, मटेरियल मिक्स वेरियंस। बात समझ गए, मटेरियल मिक्स वेरियंस आ जाएगा। दूसरी बात देखो, इसका एक यील्ड वेरियंस भी होता है। यील्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है, आउटपुट, जो आपका नेट आउटपुट आएगा। देखिए पहले मिक्स वेरियंस को मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद यील्ड वेरियंस बारे में बात करेंगे। मिक्स या यील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे एक चीज़ यहाँ निकालना होता है, उसको बोलते हैं हम, जैसे यहाँ था ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल था ना, ऐसे यहाँ पर होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ लिखना होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये निकालनी होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या निकालनी होती है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये एक्चुअली हाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लेकिन ये रिवाइज्ड है। रिवाइज्ड क्यों है, क्योंकि जो एक्चुअल क्वांटिटी आपकी है कितनी बताओ, 1100 है। इस 1100 को ही हम क्या करते हैं, जो आपकी रिवाइज्ड है, सॉरी ये 1100 है, इस 1100 को क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट देते हैं 5:4 में। तो अब मुझे बताइए आप बांट के 1100 को 5:4 के रेशियो में, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। देखो कैलकुलेटर है कोई, मोबाइल में ही करके दिखाओ, 1100 डिवाइड बाय 9 करना, 1100 डिवाइड बाय 9 इंटू 5, 611.111 कोई बात नहीं बताओ, 611.111 फोर डिजिट तक ले लो। दूसरा क्या आएगा, 9 × 4 4.8888 मान लो, ठीक है। अब तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों किया, मैं इसको बताने से पहले पूछना चाहूँगा, एक बार यहाँ देखो, ये भी 1100 है, 1100 है, और ये भी कितना है, 1100 है, लेकिन फिर इन दोनों में किस बात का फ़र्क है, इसमें और इसमें, ध्यान से सोच के बताना कि सर जब ये भी 1100 है और ये भी 1100 है तो फिर इसमें इसमें किस बात का फ़र्क है, स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग उस रेशियो में बांटने का सोचते थे 1100 को, पर एक्चुअल में ये हुआ। मतलब साफ सी बात है कि कहोगे सर जब हमारी एक्चुअल इनपुट 1100 है और एक्चुअल रेशियो हमारा ये है, इस 1100 इस 1100 को मैंने जब इस रेशियो में बांटा है तो इनमें इनमें जो फर्क है वो फर्क सिर्फ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल का है। फर्क इस बात का, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल का है। अब तुम कहोगे सर तो फिर आप इसको इससे क्यों नहीं कंपैरिजन कर लिए, इसको इससे नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां पर ये टोटल कितना था, 98 था, तो फिर हम कंपैरिजन कर नहीं सकते थे। अगर मुझे ये कंपैरिजन करना है कि दोनों के एक्चुअल में और स्टैंडर्ड मिक्स में क्या फर्क है, तो मुझे इसकी जो ये टोटल इनपुट है ना 1100, ये क्या करनी पड़ेगी, सेम रखनी पड़ेगी, तब जाके मुझे क्या पता चलेगा मिक्स में क्या डिफरेंस हुआ। अगर टोटल इनपुट सेम नहीं है तो फिर मिक्स का डिफरेंस पता नहीं चलेगा। मैं एग्जांपल समझाता हूँ, देखो जैसे मान लीजिए, बहुत हंसी मजाक सा एग्जांपल है, आप चाय बनाते हैं घर में, चाय में क्या डालते हैं आप, सॉरी
चाय में क्या डालते हैं आप? मान लो दो चीज़ डालते हैं सिर्फ, आप डालते हैं क्या, दूध और चीनी, सपोज कर लीजिए दूध और चीनी, और सब कुछ डालते होंगे उसको कांस्टेंट मान लीजिए आप। आपने सोच रखा था कि हम क्या करेंगे, एक कप दूध और एक कप चीनी डालेंगे, सॉरी एक चम्मच चीनी, एक स्पून चीनी डालेंगे, चाय मेरा तैयार। लेकिन एक्चुअली आपने क्या किया, आपने दो कप चाय बनाई, दो कप चाय बनाई, बात समझ गए। लेकिन फिर दो कप चाय में क्या किया आपने, जो एक्चुअली बनाई तो क्या किया आपने, उस दो कप चाय में आपने तीन कप दूध डाल दी और आपने तीन कप चम्मच भी डाल दिया। तो तीन कप दूध तीन कप चम्मच का मतलब 1:1 रेशियो मेंटेन रह गया ना, 1:1 रेशियो मेंटेन रह गया ना, और आपका स्टैंडर्ड क्या था वो भी 1:1 था, तो फिर यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं लिख के बताता हूँ फिर समझाता हूँ। आपने क्या सोचा था, आपने सोचा था कि ये मिल्क है और ये शुगर है, हम क्या रखेंगे, 1 cup and 1 spoon, ये आपने स्टैंडर्ड मान लिया था, ठीक है ना। और एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, आपने मिल्क जो डाला वो 2 cup डाला और जो शुगर आपने डाला वो कितना डाला, वो डाल दिया आपने 2 cup में 3 spoon डाल दिया, 3 spoon डाल दिया। अब आप कैसे कंपैरिजन कर पाओगे कि मिक्स में क्या डिफरेंस हुआ है, मिक्स में डिफरेंस तभी पता चल पाएगा आपको जब क्या करोगे, आप इस 2 cup को और इस 2 cup को बराबर करोगे तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मतलब आप ये कहोगे कि सर ये कंपैरिजन तभी पता है जब मैं मिल्क को क्या कर दूं, स्टैंडर्ड 2 cup कर दूं और शुगर फिर क्या हो जाएगा 2 spoon, और फिर मेरी एक्चुअल भी कितनी है 2 cup और शुगर कितनी है 3 spoon, अभी मेरी एक्चुअल और स्टैंडर्ड मेरी क्या हो गई है सेम, तब जाके मुझे मिक्स में पता चल रहा है कि मैंने कितना मिक्स किया है। मैंने स्टैंडर्ड क्या किया था 2 spoon शुगर का और मैंने मिक्स क्या कर दिया 3 spoon, बात समझ गए। तो ये मैंने ज़्यादा शुगर डाल दी है, ये ज़्यादा शुगर डाल दी है कब पता चला तुम्हें, जब आपने एक्चुअल को क्या किया सेम कर दिया, स्टैंडर्ड एक्चुअल को सेम किया तभी पता चला, बात समझ गए। तो यही बात यहाँ पे भी है, हमने क्या किया है, हमने जितनी एक्चुअल क्वांटिटी थी वही क्वांटिटी ली और उसको एक्चुअल स्टैंडर्ड के रेशियो में क्या किया बांट दिया। एक सेंटेंस में लिखा भी देता हूँ, देखो मैंने एग्जाम्पल भी दिया, मैंने लिखा भी दिया, मैंने समझा भी दिया, फिर भी मैं एक सेंटेंस लिखा देता हूँ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है ना। व्हेन एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटीज है ना ये, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टैंडर्ड रेशियो कॉल्ड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, व्हेन एक्चुअल क्वांटिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टैंडर्ड रेशियो कॉल्ड व्हाट, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और ऐसा हम क्यों करते हैं ये समझा चुका मैं आपको, दोनों को सेम रखने के लिए। तो इसका मतलब है सर कि अब अगर हम इनमें कंपैरिजन करेंगे तो क्या मुझे मिक्स वेरियंस पता चल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और मिक्स वेरियंस पता करने के लिए मुझे इन दोनों को सेम रखना पड़ेगा, अफकोर्स सेम रखना पड़ेगा, इनको इनको सेम, फिर इनका इनका कंपैरिजन, तो मुझे क्या मिल जाएगा मिक्स वेरियंस। लिखिए मिक्स वेरियंस, यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरियंस यहाँ लिखता हूँ, मटेरियल मिक्स वेरियंस है ना, सबसे पहले किसका करोगे, ए क्या लिखोगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई क्या लेते हैं हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस। तो बताओ क्या होगा ए के केस में, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 611.1111 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी है 600, देखो ना 600 है, माइनस 600, ठीक है। अब बताइए फिर क्या करेंगे, डिफरेंस मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, स्टैंडर्ड प्राइस, क्या है स्टैंडर्ड प्राइस 10 है,
10 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ बच्चों कितना आया, ये आया 11.1111 इंटू 10, कितना आ गया 111.1111, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब निकालिए बी का, बी कितना होगा 488.88 माइनस व्हाट 500 माइनस 500 मल्टीप्लाई किसे कर दो, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 5 मल्टीप्लाई 5 दो क्या आता है, ये कितना आएगा 11.1111 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आता है 55.55555, इनको प्लस कर दो दोनों को 55 एंड 115111 कितना हो गया 166.6666, यह है ना, क्या आ गया आपको, ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है, दोनों प्लस कर दिया ना ए और बी को, ए और बी को प्लस कर दिया मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ऊपर वाला क्या आया था, अच्छा ये गड़बड़ तो आ गया, अच्छा सॉरी ऊपर क्या आया था फेवरेबल, नीचे क्या आया था तो फिर माइनस, ऐसे नहीं होगा ना, ये आया था एडवर्स, अब तो माइनस करना पड़ेगा, करो माइनस, फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव 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 ही आएगा, फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव 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 फाइव, और ये क्या आया फेवरेबल आया, सही कहा आपने, ठीक है, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गई बात। अब आइए क्या करते हैं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस की बात करते हैं। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपको, मुझे ये बताइए इस 611 को 500 से कंपैरिजन कीजिए, इनको इनको देखिए क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ये दिख रहा है कि दोनों का रेशियो सेम है, ये भी 5:4 है और ये भी 5:4 है, ऑफकोर्स ये भी 5:4 ही है और ये भी 5:4 है, दोनों का रेशियो सेम है, मतलब दोनों का मिक्स क्या है सेम है, और दोनों का जब मिक्स मतलब रेशियो, मिक्स मतलब क्या है रेशियो, दोनों का रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ द इनपुट मिक्स, अगर दोनों का रेशियो सेम है तो फिर ये 900 में और जो 1100 में डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस क्या है, यील्ड का डिफरेंस, ये डिफरेंस किस बात का है, यील्ड का डिफरेंस, बात समझ गए, तो अगर मुझे यील्ड वेरिएंस निकालना पड़ेगा तो अब ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे हम, आप तुरंत समझ जाइए क्या करेंगे हम, देखिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस, सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, बताइए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, ए की याद है 500 माइनस 611111 इंटू 10, बी का क्या होगा 400 माइनस 488.8888 मल्टीप्लाई 5 दो क्या आता है, करके देखो जल्दी से, दोनों एडवर्स आएगा, दोनों एडवर्स आएगा 1000 एडवर्स, दूसरा देखो 444.44 ना पॉइंट एडवर्स, दोनों को प्लस करो
तो सर ये पता है 5555 5555 रुक जाओ अब एडवांस नहीं बोलना है। अब मैंने क्या कहा था, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस क्या था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस व्हाट, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। बताओ मिक्स वेरिएंस कितना था, 5555 प्लस, ये क्या था, एडवर्स था फेवरेबल था, फेवरेबल था, और ये क्या आया 5555.5555 एडवर्स आया। देखिए माइनस करके क्या आता है 500, क्या आता है एडवर्स आता है। और मुझे देख के बताओ कि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस शुरू में कितना था, देखो कितना था मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, तो इसका मतलब कोई पंगा है कुछ, ठीक है, 1500 एडवर्स ही आना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुआ देख लीजिए कहाँ, और 15 आ जाएगा ये अगर इनको क्या करते हम, देखता हूँ मैं कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हुआ है, सबसे पहले इसका देखता हूँ 611, ये रेशियो सही किया है ना, 1100 को 9 से डिवाइड करो, फिर से चेक करो एक बार, 1100 डिवाइड बाय व्हाट 9 मल्टीप्लाई बाय 5, जल्दी जल्दी कर लो बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है रेशियो ठीक है, 488 भी सही है, ये सही नहीं है, 488.88 सही आ रहा है, ठीक है सही है। तो अब क्या है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकल चुका है, मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, 611 माइनस 611 इंटू 10, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, 10 थी, हाँ ये कितना आ गया, हाँ ये आ गया 111.11, फेवरेबल आया, हाँ ये एडवर्स आया, ठीक है माइनस करके देखो, ठीक है दोनों का डिफरेंस फेवरेबल आया, सही है। यील्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 500 माइनस ये 111 के 10 है, ठीक है ये 88.5 ये भी सही है, तो 5555 सही आया, ये भी एडवर्स है, यहाँ ठीक है ऊपर सही है 1500, यहाँ मिस्टेक है कुछ शायद, ये दोनों एडवर्स कैसे हो सकता है, यही मिस्टेक है, इनिशियली मिस्टेक है इसका मतलब, चलो ठीक है 500 माइनस 610 कितना हो गया 1000, क्या हो गया एडवर्स, ठीक है 400 माइनस, रुको ना 400 माइनस 500 ये भी एडवर्स सही है, एक्चुअल ज़्यादा, ये भी एडवर्स सही है, तो मिक्स तो इसके बराबर ही होना चाहिए ना, मिक्स में क्यों पंगा आ रहा है, मिक्स वेरिएंस प्लस यील्ड वेरिएंस दोनों मिला के आता है, ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है कि इसमें पंगा किस बात का हो गया, हमने ये फिक्टिशियस सवाल लिया ना खुद से अपने आप से, नहीं बात समझे, तो जब सवाल खुद से लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट खुद से लिया नहीं है कितना है, स्टैंडर्ड आउटपुट मुझे पता नहीं है, मैंने क्या किया खुद मान के चल लिया कि दोनों क्या है सेम है, तो जब मैं सवाल को क्या करूँगा प्रॉपर तरीके से करवाऊँगा, ठीक है ना बात को, जब बुक से क्वेश्चंस लेके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन साथ करवाऊँगा तो आपको सब कुछ मैच करेगा, मैं क्लास के बाद खुद भी देखूंगा कि मैच क्यों नहीं किया ये, ठीक है ना, अदरवाइज आप समझ गए ना बात को क्या करना है इसमें, ठीक है मटेरियल यील्ड वेरिएंस है,
हाँ, अगर मुझे इसमें कुछ लगा कुछ फॉल्ट है तो मैं अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लूँगा, अदरवाइज मुझे कुछ फॉल्ट लग नहीं रहा है इसमें, ठीक है ना। लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि ये दोनों क्या होना चाहिए, मिल करके ये होना चाहिए आपको, मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस इक्वल टू होना चाहिए मटेरियल मिक्स वेरियंस प्लस व्हाट मटेरियल रियल वेरियंस, दोनों प्लस हो गए आपको मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस मिलना चाहिए। यहाँ नहीं मिल पा रहा है, मैं जानता हूँ कि कुछ वजह हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको अगली क्लास में क्या करेंगे हम डिस्कस कर लेंगे। क्या कर रहे हैं? हाँ, लिख लीजिए इस बात को। आप फॉर्मूला आपके सामने आ गया ना, सवाल तो हम करवा लेंगे बुक से आपको, क्योंकि मैंने खुद से सवाल फ्रेम किया ना, तो इसमें हो सकता है कुछ फॉल्ट होगा, ठीक है। तो आज के बस इतना ही इस क्लास में, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।